अस्सलाम वालेकुम, मैं फैंटास्टिक व्यू 81 के व्यूअर्स को कच्चाबू के रेलवे स्टेशन से खुश आमदेद कहता हूँ। इस वक्त मैं कच्चाबू के पुराने रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी कच्चाबू की, जो पहले रेलवे के निज़ाम से मुस्तफ़ीद होती थी, अब बिल्कुल भी जो है वो इस निज़ाम से फ़ायदा नहीं उठा रही है। ये पुराना सारा बिल्डिंग है जी, कच्चाबू के रेलवे स्टेशन की अंदर का आप देखें माहौल बिल्कुल इस वक्त खंडर की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। अच्छा खूबसूरत मजबूत स्ट्रक्चर था जी अपने वक्त का, और लेकिन इस वक्त बिल्कुल बेतवज्जो तवज्जो ही का शिकार है। ये वो जगह है जहाँ पर मुसाफिर टिकट परचेज करते थे, अंदर जो है ट्रेन का इंतज़ार करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलें जी, इस वक्त ऊपर चलते हैं और प्लेटफॉर्म का जायज़ा लेते हैं कि वो किस कंडीशन में है। कच्चाबू की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है। ये मैं इस वक्त कच्चाबू के प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ। ज़ाहिर है ये कच्चाबू का रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल नहीं है इस वक्त, यहाँ कोई भी ट्रेन किसी भी किस्म की ट्रेन है वो नहीं रुकती है। कच्चाबू का रेलवे स्टेशन जो है वो खानेवाल और मियाँ चंदों के दरमियान में वाक़ है। पहले यहाँ पर ट्रेन भी रुकती थी और यहाँ की आबादी जो है वो रेलवे के निज़ाम से मुस्तफ़ीद भी होती थी, लेकिन अभी ये जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह की सहूलतों से बिल्कुल नापैद हो चुका है। और लोगों ने अभी देख रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल वाला यहाँ से गुजर रहा है, और ये एक नहीं है, यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं इस तरफ इसको गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी कच्चाबू का स्टेशन का वो हिस्सा है जहाँ पर लोग अपने ज़माने में अपने वक्त में बैठ कर ट्रेन का इंतज़ार करते थे, लेकिन अभी जो है बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है और किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। देख रहे हैं आप, और ये मैं अब आपको उस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर एक छोटी सी कॉलोनी थी रेलवे स्टेशन के स्टाफ के लिए। स्टाफ के लोग यहाँ पर रिहाइश पसंद होते थे, लोग यहाँ पर अभी देखें कि बिल्कुल खंडर बन चुका है और किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं, क्योंकि स्टाफ नहीं है तो ज़ाहिर है इसकी हालत भी बड़ी खस्ता हो चुकी है। ये प्लेटफॉर्म आप नज़ारा देख रहे हैं, ये कच्चाबू के दूसरी साइड पर जो है वो आबादी है, और अच्छी बड़ी आबादी है जी यहाँ की, जो ख्वाहिशमंद है कि यहाँ पर ट्रेन रुकनी चाहिए और यहाँ के जो नज़दीकी देहात हैं चक हैं उसकी आवाम रेलवे के नाम से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ट्रेन वगैरह तो नहीं रुकती होगी यहाँ पर? अच्छा नहीं, कोई भी नहीं है नहीं। तो फिर यहाँ के लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं? जी जी बिल्कुल, जो है ना खानेवाल में रुकती है या मियाँ चंदों, या मियाँ चंदों में रुकती है, इधर नहीं। इधर जी देखा आपने, सुना है कि यहाँ ट्रेन बिल्कुल भी कोई स्टॉप नहीं है किसी किस्म का भी, और यहाँ के लोगों को रुकने लग गया ट्रेन तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये भी है जी, आप ये देखिए खातून कैसे ये रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके जाएंगी। ओवरहेड बहुत ज़रूरी है जी आवाम के लिए, हमारे जितने भी यानी के गांव है ना 26, 27, 28, 29, 30 वाले वो यहाँ से जाके ना। अच्छा उनके लिए सहूलत तो यहीं के रिहायशी हो आप? जी जी मैं यहीं। अच्छा तो जाने आपको सफ़र करने के लिए फिर खाने वाली या फिर खाने वाली ट्रेन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से मिल जाती है? हाँ जी बिल्कुल। चलो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। किसी ज़माने में लाहौर से खानेवाल तक जो ट्रेन चलती थी वो इलेक्ट्रिक से चला करती थी, मतलब बिजली से। ये आप देख रहे हैं कि ये उस वक्त का लाइटिंग का निज़ाम था, इसमें ट्यूबलाइट्स होती थी और जगमग करता था रात को ये सारा प्लेटफॉर्म। जो बैकग्राउंड में एक कैबन आपको नज़र आ रहा होगा, लाहौर से जो भी ट्रेन आती थी कांटा चेंज करने के लिए इस कैबन से ऑपरेशन होता था। यहाँ की आवाम जो है इस प्लेटफॉर्म को बतौर हाईवे के इस्तेमाल कर रही है आजकल। ये कैबन जो है ये मुल्तान से जो ट्रेन लाहौर की तरफ जाती थी तो ऑपरेशन जो भी कांटा चेंज करने का इसी कैबन से होगा।
फैंटास्टिक ब्लू 81 के व्यूअर्स को मैं कचरापुर रेलवे स्टेशन से अलविदा करता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात करूँगा।